Dear students, alaikum, How are you all? I am sure you will perfectly fine. Today we have to start our second chapter from chemistry section with number eight: changes in matter. Number eight: changes in matter. In this chapter, we have to study about physical changes, chemical changes, reversible reaction, fertilizers, plastics, fats, refining of crude oil, fossil fuel, etc. Dear students, let's start our first topic: physical change. इन अ फिजिकल चेंज ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स चेंज द एक्चुअल पार्टिकल्स आर द सेम थ्रू आउट एंड द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम स्टूडेंट फिजिकल चेंज एक ऐसे चेंज को कहते हैं जिसमें किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स का बिहेवियर चेंज हो सकता है बट उसका टोटल मास उस सब्सटेंस का मास पूरे रिएक्शन में पूरे चेंज के दौरान एक जैसा ही रहता है उसका मास चेंज नहीं होता फॉर एग्जाम्पल आइस टर्न्स टू वाटर एट ज़ीरो डिग्री ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर पर आइस वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाती है इट इज़ इजी टू चेंज द वाटर बैक टू आइस अगेन बाय कूलिंग इट और फिर इसी वाटर को जब हम कूलिंग इफेक्ट देंगे तो ये अगेन आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है नो न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म इन दिस चेंज सो इस पूरे चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता

केमिकल रिएक्शंस डियर स्टूडेंट्स केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है, है. है जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं आयरन रस्ट और कैंडल मंद एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं नया कंपाउंड बनता है और जब एक नया कंपाउंड बन जाता है तो हम इसे दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते केमिकल चेंज है सो डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस केमिकल चेंज थ्रो द एग्जाम्पल डेर स्टूडेंट टेक अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग फॉर द अंडरस्टैंड द केमिकल चेन येलो सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग आर मिक्स टूगेदर द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टरिंग इट विद अ मैग्नेट डेढ़ स्टूडेंट इस रिएक्शन में येलो सल्फर और आयरन फिलिंग का एक मिक्सचर बनाया जाता है फिर उस मिक्सचर को ईजिली मैगनिक के थ्रू मैग्नेट को यूज़ करके हम सेपरेट कर सकते हैं जब हम इस मिक्सचर के अंदर मैग्नेट को यूज़ करेंगे तो आयरन फिलिंग मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएंगी फिर येलो सल्फ़र पाउडर रह जाता है इस येलो सल्फ़र पाउडर को जब हीट करेंगे हीटिंग के प्रोसेस के बाद ये येलो सल्फर पाउडर येलो फॉर्म से चेंज होकर एक ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है और ये ब्लैक सॉलिड कहलाता है आयरन सल्फाइड येलो सल्फर पाउडर के अंदर आयरन के कुछ पार्टिकल्स रह गए थे जब हमने इसे हीट अप किया तो आयरन और सल्फर मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयरन सल्फाइड। स्टूडेंट इक्वेशन आयरन एंड सल्फर आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ आयरन सल्फाइड डर स्टूडेंट इट कैन बी रिटेन कम्बाइन एस टू फॉर्म सल्फाइट डयर स्टूडेंट रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें इजिली रिएक्शन रिवर्स हो जाता है मीन्स दो रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में एक प्रोडक्ट फॉर्म होती है इस प्रोडक्ट को जब आप अगेन रिएक्ट करवाते हैं तो वही रिएक्टन दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं रिएक्टन एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो दो सब्सटेंसेज दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्टन कहलाते हैं इन दो रिएक्टन के रिएक्ट करने के नतीजे में जो नया प्रोडक्ट बनता है नया सब्सटेंस बनता है नया कंपाउंड बनता है ये कंपाउंड कहलाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्टल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वैन अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कम इन टू कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर अमोनिया गैस एनस्ट्री एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एच सी एल गैस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं अ वाइट क्लाउड ऑफ अमोनियम क्लोराइड वेपर इज फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एन एच थ्री सी एल फॉर्म होता है इफ़ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड अब इसी अमोनियम क्लोराइड को जब हीट करेंगे इट डिकम्पोज टू गिव अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है ये डिकम्पोज होगा डिकम्पोज होने के रिजल्ट में अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगेन रिलीज हो जाएगी ये अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे रिएक्शन के रिएक्टेंट थे जो हमें दोबारा रिएक्ट करवाने पर वापस मिल गए ये था रिवर्सिबल तरवल डियर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस सप्लाई टू द क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी डियर स्टूडेंट फर्टिलाइजर्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर आर यूज बाय फार्मर्स डेली टू इंक्रीज द क्रॉप द फर्टिलाइजर कंटेन द एसेंशियल न्यूट्रिय रिक्वायर्ड बाय द प्लान्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर आर केमिकल लाइक अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट पोटेशियम सल्फेट सोडियम नाइट्रेट एंड यूरिया दीज आर द केमिकल फर्टिलाइजर्स देर स्टूडेंट्स प्लास्टिक मेनी ऑब्जेक्ट्स दैट यूज टू बी मेड ऑफ मेटल्स आर नाउ मेड ऑफ प्लास्टिक देर स्टूडेंट बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेटल से मिलकर बनते हैं और प्लास्टिक से मिलकर बनते हैं प्लास्टिक अब प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटीरियल विच कैन ईजिली बी शेप्ड प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम हर तरह से डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट तरह की चीज़ें हम डिफरेंट तरह की शेप की चीज़ें हम उससे बना सकते हैं प्लास्टिक आर यूजली टफ एंड वर्स ट्राइक दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दे कैन बी स्पन इंटू फाइबर टू मेक क्लोथ्स एंड कार्पेट्स और मोल्डीज टू मेक ऑब्जेक्ट्स सच एज कप्स और चर्च रे स्टूडेंट प्लास्टिक को हम फ़ाइबर्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इन फाइबर से क्लॉथ और कारपेट को हम बना सकते हैं और प्लास्टिक से ही हम कप्स और चेयर को भी बना सकते हैं स्टूडेंट डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स होती हैं और डिफरेंट टाइप के उनसे मटेरियल बनते हैं जैसे कि पॉलीथीन पॉलीथीन एट प्लास्टिक है जिससे डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस आप बना सकते हैं प्लास्टिक बैग्स बीकर बकेट्स बाउल बॉटल्स डस्टबिन ये सारी चीज़ें आप पॉलीथीन से बना सकते हैं मेलामाइन मेलामाइन एक डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक है जिससे अनब्रेकेबल प्लेट्स और कप्स बनते हैं पॉलिसीन जिससे बॉल पॉइंट पेन बनते हैं पीवीसी वी हॉस पाइप में यूज होता है नायलोन रोप के लिए यूज होता है पर्सपेक्स रूलर्स में यूज होता है बैकलाइट इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज होती है स्टूडेंट फैट्स फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर आर सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड्स फैट्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेज कॉल लिपिड्स स्टूडेंट फैट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और फैट जो हैं वो एनर्जी की एक बहुत बड़ी सोर्स है हम फूड में फैट यूज़ करते हैं एनर्जी को गेन करने के लिए फैट से हमें बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है एंड ऑल फैट्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट मेकिंग मार्जरीन सम ऑफ द फैट्स एंड प्लांट्स ऑयल कैन बी टर्न इन टू वैल्यूएबल फूड सच एज मार्जरीन द ऑयल फॉर मेकिंग मार्जरीन कम्स फ्रॉम द सीड ऑफ प्लांट्स सच एज सनफ्लावर डेयर स्टूडेंट्स मार्जरीन बनाने के लिए प्लांट के सीड से ऑयल यूज किया जाता है प्लांट लाइक सनफ्लावर सनफ्लावर के सीड से मार्जिन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मार्जिन यू कैन सी इन स्टेज नंबर वन एंड फ्लॉर टू एक्सट्रैक्ट ऑयल डेयर स्टूडेंट इस स्टेज में सीड को क्रश किया जाता है फिर इसे स्क्वीज करके उसका ऑयल निकाला जाता है डेयर स्टूडेंट सीट से ऑयल निकालने के बाद इसे एक नेक्स्ट चैम्बर में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहाँ पर इस ऑयल की रिफाइनिंग होती है रिफाइनिंग का प्रोसेस इस चैम्बर में, में किया जाता है द ऑयल इज़ रिफाइंड बाई हीटिंग विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यू कैन सी इन द स्टेज नंबर टू डियर स्टूडेंट द इन द ऑयल रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉर्ट अट सूप द्योरीफाइड ऑयल इज सेपरेटेड एंड देन वॉश्ड स्टूडेंट रिफाइनिंग के प्रोसेस में ऑयल को एनओ के साथ हीट किया जाता है फिर इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ऑयल की उनको सेपरेट कर लिया जाता है और जो प्योरीफाइड ऑयल है उसे अलग से चैम्बर में सेपरेट कर दिया जाता है डेड स्टूडेंट इन स्टेज नंबर थ्री हाइड्रोजिनेशन स्टेज नंबर थ्री में हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन वर्क करती है इस प्रोसेस में प्योरीफाइड ऑयल को हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन ऑयल के साथ वर्क करती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलिस्ट एक ऐसे केमिकल को कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं तो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजिनेशन के बाद स्टेज नंबर फोर में सेचुरेटेड कंपाउंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है इस चैम्बर में ऑयल को ड्यूडोराइज किया जाता है मीन्स हाइड्रोजिनेशन के बाद ऑयल को हीट किया जाता है हीट इसलिए किया जाता है ताकि इस फैट के अंदर जो इस्मेल है वो ख़त्म हो जाए सो so ये स्टेज कहलाता है ड्यूडराइज इन स्टेज नंबर फाइव स्टेज नंबर फाइव में डे स्टूडेंट डिफरेंट एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं लाइक कलर्स फ्लेवर सॉल्ट वाइटाम डिफरेंट एडिटिव्स को यूज़ किया जाता है मार्जिन के लिए और इस स्टेज में मार्जिन कम्प्लीटली बन जाता है सो एजिटिव यूज़ करने के बाद स्टूडेंट मार्जिन कम्प्लीटली बन जाता है और फिर इसकी पैकिंग का प्रोसेस किया जाता है इस स्टॉपिंग में हमने मार्जिन की मेकिंग पड़ी प्लांट के सीड से मार्जिन बनता है प्लांट के सीड के ऑयल से हम मार्जिन को बना सकते हैं इस टॉपिक में हमने मेकिंग ऑफ मार्जिन डिस्कस व्हाट इज फ्यूल फ्यूल कहते हैं ईंधन को फ्यूल ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिन्हें बर्न करने से एनर्जी मिलती है और लाइट मिलती है ये एनर्जी और लाइट हमें कोई भी काम करने में हेल्प करती है वॉट इज फॉसिल फॉसिल क्या होते हैं फॉसिल कहते हैं ऐसे जानवर जो प्रिजर्व हो जाते हैं ज़मीन की सतह के नीचे कुदरती तौर पर ऐसे जानवरों को कहते हैं हम फॉसिल्स फॉसिल फ्यूल क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल बिकॉज दे हैव बीन मेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ मिलियन ऑफ इयर एगो यर स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं अब इस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल क्यों कह रहे हैं ये कैसे बना स्टूडेंट जब प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरली तौर पर प्रिजर्व हो जाते हैं ज़मीन की सतह के नीचे और फिर जब इन्हें हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है ज़मीन की सतह के नीचे बहुत साल गुजरने के बाद तो ये एक फ्यूल की फॉर्म में बन जाते हैं और ये फ्यूल जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं कि हाइड्रोजन हाईड्रो, और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकारबंस और फॉसिल फ्यूल बहुत साल गुजरने के बाद हजारों लाखों साल गुजरने के बाद बनता है डियर स्टूडेंट्स वॉट इज क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल क्या होता है ऑयल वॉज मेड फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल विच लिव्ड इन द सी एज दे डाइट देयर वॉड इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन हेयर दे वर कवर्ड बाई मड एंड सेंट स्टूडेंट्स समंदर की तह से प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडीज़ को कलेक्ट किया जाता है ये डेड बॉडीज़ ये प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा सैंड और मर्ट से कवर हुए हुए होते हैं इन प्लांट्स और एनिमल पर बहुत ज़्यादा सैंड और मर्ट की लेयर्स होती हैं और जो बहुत ठीक होती हैं अब डियर स्टूडेंट इन प्लांट और एनिमल से एक ऑयल फॉर्म होता है अब ये ऑयल कैसे फॉर्म होता है जब इन प्लांट्स और एनिमल्स को समंदर की तह से निकाला जाता है तो फिर इन्हें एक हाई टेम्परेचर दिया जाता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज देम इनटू अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल अ क्रूड ऑयल जब इन्हें हाई टेम्परेचर दिया जाता है इन प्लांट्स और एनिमल्स को जिस पे जिस पर बहुत ज़्यादा मर्द और सैंड की लेयर्स जो हैं वो कवर हुई हुई हैं और हाई टेम्परेचर मिलने के बाद ये एक ब्लैक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं इस ब्लैक लिक्विड को इस ब्लैक सॉलिड को हम कहते हैं क्रूड ऑयल स्टूडेंट क्रूड ऑयल प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल दे जाते हैं समंदर की तह में उनसे बनता है जब उन्हें समंदर की तह से निकालकर एक हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो उसे क्रूड ऑयल बनता है एक ब्लैक लिक्विड फॉर्म होगा जब हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो इसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है इस टॉपिक में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्कस करेंगे व्हेन क्रूड ऑयल इज पम्प आउट ऑफ द ग्राउंड इट इज़ अ ब्लैक स्मेली लिक्विड स्टूडेंट जब क्रूड ऑयल को जमीन की सतह से बाहर निकाला जाता है तो ये ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है ब्लैक कलर की फॉम ब्लैक इसका कलर होता है और एक ये स्मेली लिक्विड होता है स्टूडेंट क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स विच आर वेरी यूजफुल क्रूड ऑयल जो होता है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे केमिकल्स का जब हम क्रूड ऑयल को देखेंगे तो ये एक ब्लैक कलर का लिक्विड तो है लेकिन इस ब्लैक कलर के लिक्विड में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं तो डियर स्टूडेंट दे कैन बी सेपरेटेड बाई अ टेक्निक कॉल अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डेयर स्टूडेंट हम क्रूड ऑयल में से डिफरेंट केमिकल को सेपरेट कर सकते हैं एक प्रोसेस के एक टेक्निक्स के थ्रू ये प्रोसेस और ये टेक्निक कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डेर स्टूडेंट रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल इज रिफाइन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विस्टेक्सपेस इन अ टॉल टावर कॉल्ड अ फ्रैक्शनेटिंग टावर जैसा कि हम जानते हैं क्रूड ऑयल को हम सेपरेट कर सकते हैं एक डिफरेंट प्रोसेस और टेक्निक के थ्रू इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक टॉल टावर यूज होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शुनेटिंग टावर देर द ऑयल इज हीटेड अप इस टावर के अंदर इस क्रूड ऑयल को हीटअप किया जाता है हम टेम्परेचर जानते हैं फोर हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर इसका रखा जाता है द कंपाउंड विद लो बॉइलिंग पॉइंट बॉइल ऑफ फर्स्ट जब इसे बॉयल किया जाता है टेम्परेचर दिया जाता है इस ऑयल को तो ऐसे कंपाउंड जिसका बॉयलिंग पॉइंट लो है वो सबसे पहले बॉयल होना शुरू हो जाते हैं दे राइज टू द टॉप ऑफ द टावर और टावर के ऊपर के जाने वो मूव करना शुरू कर देते हैं कम्पाउंड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट आर कलेक्टेड लोअर डाउन और ऐसे कम्पाउंड्स इस ऑयल में जिनका बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो नीचे के साइड पर टावर के बॉटम साइड पर जाना शुरू हो जाते हैं द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्पाउंड आर कोल्ड फ्रैक्शन जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कंपाउंड को उन उन्हें कहते हैं हम फ्रैक्शन अब डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन दें लाइक गैस गैस यूज होती है एज ए फ्यूल Petrol fuel for cars, kerosene, jet fuel, detergents, diesel oil. Diesel oil is used for fuel for central heating, lubricating oil, oil for cars and other machines, fuel oil, fuel for power station and ships. Paraffin waxes. Paraffin waxes used for candles, polish, wax papers, waterproofing. बिटुमिन पिच फॉर रूट एंड रूफ्स बिटुमिन यूज होता है रूट एंड रूफ्स की पिच के लिए स्टूडेंट ये थे हमारे डिफरेंट फ्रैक्शन जो सेपरेट हुए हैं क्रूड ऑयल में से